ये ऐसे झटकना नहीं रहता भाई, फेंक के मारना रहता ऐसा। ये देखो ऐसा प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तूने क्या किया। हेलो नमस्ते वालेकुम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। कहाँ हो MSK? ये सवाल था। सवाल का जवाब ये है कि भाई हम YouTube का पासवर्ड भूल गए थे और वो पासवर्ड जो है फिर मुझे याद नहीं आ रहा था, शफीक को याद था, तो शफीक ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, बहुत दिमाग पे जोर दिया और तब जाके उसको पासवर्ड याद हुआ। क्या था पासवर्ड? MSK@OGVlogger001। फिर हमने ये डाला यूट्यूब पे और फिर हमारा चैनल खुल गया। हम बोला चैनल आ गया तो फिर ब्लॉग करते हैं, इसलिए ब्लॉग करते हैं। माँ बेटे का प्यार दिख रहा है। बड़ी मस्त हो रही। आओ मैं घर आ गया। सूफी सीधा खड़ा रहे, लेट ही गई। सूफी पूछो बर्फ किधर है। बर्फ लेके आया थोड़ा जेब में। हाँ बर्फ लेके आया जेब में। बर्फ तो पिघल गया, लाया था बर्फ पिघल गया। दादा लेके बहुत टाइम बाद घर का खाना खाएंगे और मुंबई में इतनी गर्मी है कि बिना एसी के फैन के रहा नहीं जा सकता। ब्लॉग शूट करने के लिए फैन बंद करते हैं, अभी फैन चालू करना पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि जब मैंने अपना YouTube चैनल चालू किया था उससे पहले ही हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी मुकाम मुझे हासिल करने थे उस वक्त वो हमने कर लिया था, घर बाइक जो भी लेना था हमने ले लिया। तो हमारी लाइफ में सिर्फ YouTube नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने बहुत बार कोशिश किया है डेली व्लॉग्स करने की, ये सोच के कि अपन डेली व्लॉग्स कर सकता है और अपन ने किए भी हैं। 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली किया, फिर उसके बाद में रुक जाते हैं। तो हमारे पूरे जर्नी में आपने देखा होगा कि एक टाइम आता है जब हम डेली व्लॉग्स करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ा सा रुक रुक के व्लॉग आता है, फिर वापस डेली व्लॉग होता है। तो इससे ये बात समझ में आ गई है कि अपन डेली व्लॉग्स वाले व्लॉगर नहीं है, अपने को क्वांटिटी नहीं जमता है, अपने को क्वालिटी ही जमता है। तो मैंने भी ये सच्चाई को मान लिया कि नहीं हो सकता हमसे डेली व्लॉग्स, हम क्वालिटी व्लॉग पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। जब मैं अपना जांस्कर ट्रिप कंप्लीट करके आया था उसके बाद काफी सारी एक्टिविटी हुई, इंडिया का मैच देखा, इंडिया वर्ल्ड कप जीती। अभी तो मौसम सही है लेकिन पिछले कुछ दिनों से याहूम बारिश हो रही थी। यहाँ पर सिर्फ हमारी एक ही बाइक है, दूसरी बाइक हमने पार्किंग में पहुँचा दिया, बारिश में भीगते रहेगी क्योंकि चलाने वाले तो नहीं है, वैसे भी बारिश के बाद ही चलाएंगे, इसीलिए पहुँचा दिया उसको पार्किंग में। क्या समंदर किनारे रहते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर लोहे पे जंग जल्दी लग जाता है। वैसे ज़िंदगी में जंग तो बहुत है अपने, एक जंग लड़ रहे हैं अभी। आज घर पे बना है स्पेशल क्योंकि मुहर्रम चल रहा है और घर में मम्मी ने नियाज रखा है, तो आज घर में खिचड़ा बना है। आप लोगों को याद होगा BMW के प्री लॉन्च के लिए मैं गया था लद्दाख, वहाँ पर मैंने बाइक चलाई लेकिन मैंने अपने ओपिनियन जो है वो आपको दिया नहीं था क्योंकि उस वक्त हमें मना किया गया था ओपिनियन देने से, और उन्होंने कहा अगर ओपिनियन देना है तो वीडियो शायद 11 तारीख के बाद जाएगा। और अभी हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक्चुअल में क्या फील किया और नई वाली GS 1300 को लेकर मैं क्या सोचता हूँ एंड मेरे क्या प्लान है, उसको मैं लूँगा या नहीं लूँगा, तो ये सब हम बातें करेंगे। बट अभी ऐसे बादल को देख के लग रहा है कि बारिश होने की संभावनाएं हैं, ना हो तो अच्छा है। खाना खा के आ जाऊं एक बार घर पर वापस, फिर उसके बाद में बारिश होना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहा ऊपर वाला? धोखा बादल। हाँ वही तो, मुंबई का मौसम भी ऐसा ही अचानक भयानक है, अचानक में आता है फिर भयानक बना देता है। मुझे ना एक रिग्रेट हो रहा है, ये भी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना मेरे बहुत सारे काम रुक जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जिंदगी में और भी काम है, सारे एकदम स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिर वो काम होने लगता है और मेरा वही है कि एक चीज़ पे फोकस करूँ तो फिर दूसरा चीज़ छूट जाता है, फिर से व्लॉग पे फोकस करूँगा तो वो सारी चीज़ पीछे रह जाएंगे। लेकिन अभी मुझे मैनेज करना है, सीख रहा हूँ मैं, एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ मैं, तो उसमें टाइम को मैनेज करने के लिए सीख रहा हूँ। वैसे तो आता है अपने को लेकिन ऐसा लगता है कि आता है वो सिर्फ मुझे लगता है, आता होता तो टाइम को मैनेज कर लेता, जरूरी है अभी टाइम मैनेजमेंट। चलो दस्तखान लग गया है, बाकी सारे लोग यहाँ पर है, पहले जाएंगे किचन में। ये इसको क्या बोलेगा, मैं बड़ा तपेला, खिचड़ा इसमें बना के एकदम फुल रेडी है। और ये जो चीज है याद है ना, रमजान में आपको बताया था कैसे खाना है, बस कोई मजा आएंगे। और सूफी क्या कर रहे हो जिंदगी में तुम? एसी चालू करते हो, रेडी हो गया आपका खाना? और हीरो इसको मैंने उस दिन फिर से देखा था, इस बार दो लड़की थी, दो लड़की थी इस बार।
सैलड है, आम काट के रखा गया है और ये धनिया है क्या? धनिया और नींबू मस्त छोड़ के भी खाएंगे। ये ऐसे झटकना नहीं रहता भाई, फेंक के मारना रहता ऐसा। ये देखो ऐसा डाला। कैसा है टेस्ट? अच्छा बनाया। ये जो रमजान से बना, रमजान में बनाया था ना, उससे अच्छा बनाया है। बढ़िया, चलो हो गया, खा पी के शरबत भी बनाए थे मुहर्रम का, वो भी हमने पी लिया। अब बता भाई, प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तूने क्या किया? दिन रात लगा रहा। जब भी मौका मिलता है कि हाँ नया प्रॉपर्टी ऐड हुआ है ऑनलाइन, और जो भी आसपास के जो एजेंट है सबको बोल के रखा है। तो अभी हाल फिलहाल में कैसा हो रहा है ना कि सभी देख लिए, सब देख लिए, ऑलमोस्ट सब देख लिए। कुछ पसंद आ रहे हैं तो उसमें फिर वो कम्युनल, मतलब जो मिल भी रहे हैं उसमें कम्युनल इशू की वजह से वो छूट जा रहा है। जैसे लास्ट वाला भी वैसे ही था। माहिम से बाहर बहुत सारी प्रॉपर्टी है माहिम से। चैलेंज तो यही है ना कि माहिम में लेना है। हाँ, वो इसीलिए तो मैं भी तो रुका हूँ। हार्ट ऑफ मुंबई, मुंबई के दिल में रहना है हमें, इसीलिए मशक्कत हो रही है। ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं चलो मैं जाता हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो मुंबई आने के बाद मैंने ये सोच लिया था अब अपने को घर चाहिए, और एकदम 100% देखे मैंने, बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अब तो ऐसा हो गया कि माहिम में जितने भी घर लिस्टेड हैं ऑनलाइन या जो भी अपने जान पहचान वाले ब्रोकर हैं, सबने जो भी दिखाया था ना वही है। अभी कोई नई लिस्टिंग आ नहीं रही और नया कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं रहा है। 100% दे रहा हूँ मैं ताकि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन क्या है ना कि बारिश के टाइम यूजली घर जल्दी मिलता नहीं है, मैंने ये चीज़ देखा है। तो एक और प्रॉपर्टी देखने के लिए गए थे। फटाफट घर पहुंचता है नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी। बूंदे महसूस हो रही है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी मुंबई की बारिश बोले तो अचानक भयानक, अचानक से आती है, दृश्यम भयानक हो जाता है। एक छोटी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की मुझे। तो डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 व्लॉग तो मैं डालूं। तो बस ये जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से दिन है जिस दिन आप वीडियो देखना चाहोगे, जैसे कि मंडे को हो गया, वेनेसडे को हो गया, या सैटरडे को हो गया, ऐसे एक दो दिन के गैप छोड़ के कौन कौन से दिन आप देखना चाहते हैं। वैसे तो मैंने डिसाइड करना ही है, लेकिन अगर आप लोग के इनपुट आ जाएंगे तो तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि ब्लॉग तो आप ही लोग के लिए है। आप अपना डे बताइए, टाइम हम वही रखेंगे 11:11 हमारा। आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं डेली व्लॉग्स करने को, और मैं कभी कभी आप लोग ये बात सुनता भी हूँ, ठीक है यार डेली व्लॉग्स करते हैं, लेकिन ना डेली व्लॉग्स में हमेशा, मतलब ये बात मैंने बताया भी है कि डेली व्लॉग्स में यार मैं अपने बाकी काम नहीं कर पाता हूँ। मुझे सीखना पसंद है, मैं नई चीज़ें सीख नहीं पाता हूँ। फिर उसमें ऐसा होता है कि व्लॉग शूट करो, एडिट करो, अगले दिन डालो, फिर व्लॉग शूट, तो समय नहीं मिलता। तो इसमें कैसा है कि मेरे को समय मिल जाएगा मेरे बिजनेस का काम देखने में, मेरा इन्वेस्टमेंट देखने में, एंड चीज़ें सीख भी सकता हूँ मैं। क्वालिटी व्लॉग पर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ मैं। जब मैं ड्रीम ट्रिप कर रहा था उस टाइम पर मीटअप में भी लोगों ने बोला कि भाई वो एडिटिंग चाहिए हमें MSK की पहले वाली, तो वही सब है, क्वालिटी पे फोकस करते हैं। बाकी आप जो भी सोचते हैं बताना कमेंट में, ये ब्लॉग के कमेंट में रीड करूंगा। भगा 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 भगा। ऑलराइट जी, आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ फाइनल कट प्रो एक्स, क्योंकि उसमें व्लॉग फटाफट एडिट हो जाता है। क्वांटिटी अगर मैं देख रहा हूँ तो क्वांटिटी के लिए मुझे लगता है कि फाइनल कट प्रो बेस्ट सॉफ्टवेयर है व्लॉग्स एडिट करने के लिए। लेकिन जब कलर ग्रेडिंग की बात आती है तब ये एप्लीकेशन उतना सपोर्ट नहीं करता है। तो इतने सालों से, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है तब से लेकर अब तक मैं फाइनल कट प्रो पर एडिट कर रहा हूँ। नाउ इट्स टाइम टू चेंज माई एडिटिंग एप्लीकेशन। तो अभी मैं स्विच करने वाला हूँ प्रीमियर प्रो पे। सडनली स्विच नहीं करूँगा, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी सीखूंगा। Adobe Photoshop और Lightroom मैं यूज करता हूं, जिसके लिए मैं हर महीने देता हूं। ये है मेरा प्लान, फोटोग्राफी प्लान 20GB, जिसमें 676 रुपीज मैं पर मंथ का देता हूं। इसमें मुझे मिलता है Photoshop, Adobe Lightroom Classic, डेस्कटॉप में ये 6 हैं, मोबाइल में ये हैं, वेब में ये है, बट इसमें प्रीमियर प्रो नहीं। प्रीमियर प्रो का कॉस्ट मैं देख रहा था। इनके पास एक प्लान है क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स, जिसमें सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, बट अपने को सारे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है जिंदगी में। अपने को चाहिए फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड Lightroom। अगर मैं प्रीमियर प्रो अलग से लेता हूँ तो 733 रुपये, तो 733 रुपये पर मंथ मेरे को देना पड़ेगा, 700 रुपये और एड ऑन करने पड़ेंगे मंथली, कर लेते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे प्रीमियर प्रो में अट्रैक्ट करती है, वो कलर ग्रेडिंग। मैं कलर ग्रेडिंग के लिए फोटोशॉप, Lightroom ये सब यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसकी आदत है, और वही सेम इंटरफेस होता है, थोड़ा सा अलग होता है प्रीमियर प्रो में, बट ये बहुत पहले की बात है। अभी पता नहीं इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, बट या
बस छोटी सी अपडेट आपको बता रहा था कि अपन क्वालिटी में स्विच होने वाले हैं। और एक बात यह है कि अभी ट्रिप का प्लान चल रहा है, नई बाइक का भी प्लान चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है। लिव लाइफ लिव योर ड्रीम। मेरे को भी याद है एम एस के @ogvlogger@ बंद याद नहीं आ रहा था। क्या है कि ना जब व्लॉग में स्क्रिप्टिंग होती है ना तो ऐसे ही होता है, वापस टेक करेंगे अपन। MS@ogvlogger इधर तो देख रहा है अभी इधर मत। MS@ogvlogger001 वापस एक बार फ्लो में बोल। MS@ogvlogger@ वापस आ रहा है। MSK रुक जा, वापस कैमरा करूँगा। रुक जा। MSK@ogvlogger001 ऐसे वापस एक बार फ्लो में बोल। MSK@ogvlogger@001 MSK@ogvlogger001